If you liked this episode, subscribe to Outstyle.com and click on the bell icon to never miss out on any fun tutorials on fashion and beauty. Yes, Outstyle shop is ready. Go check out Outstyle.com. इस पे shopping कीजिए आपके favorite brands की fashion, makeup items सब 100% genuine और deliver होंगी आपके घर तक. Hi and welcome back to my channel Outstyle.com. आज बात करेंगे बालों के बारे में. बाल आप देख रहे हैं मेरे कि इस वक्त they are wet, गीले हैं. और मास्क मैं आपको ऐसा बताऊंगी जो घर का बना बनी है. You can get it from any nice general store, super store, drug store, कहीं से भी आपको मिल जाएंगे. And you should be able to get it in any country. वैसे कुछ नहीं खौफनाक product नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी product है. इतने सारे mask, conditioners में it's difficult कि कौन सा चूज़ किया जाए. अब कंडीशनर इज़ फॉर एवरी टाइम यू वॉश, लेकिन अगर आप बाल धोते ही हफ्ते में दो दफ़ा हैं तब तो फिर कंडीशनर की जगह आप मास्क यूज़ कर सकते हैं. आई हैव ड्राई हेयर तो इसलिए मैं तो कंडीशनर की जगह मास्क हर दफ़ा लगाती हूँ. हाँ, अगर फ्रीक्वेंट जिम वगैरह कर रही हूँ और मुझे रोज़ ही धोने पड़ रहे हो बाल, तो फिर आई विल ऑल्टरनेट कि एक दफ़ा कंडीशनर और एक दफ़ा फिर मास्क. बट मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव स्प्लिट एंड्स, ड्राई हेयर, कलर्ड हेयर. तो अच्छा मास्क क्या है? मेरे बालों में थोड़ा सा कलर भी है, ड्राइनेस भी है. सो देर आर टू मास्क दैट आई मिक्स टू गेट द राइट ट्रीटमेंट फॉर माई ड्राई हेयर. लॉन्ग, ड्राई, स्प्लिट एंड, एवरीथिंग यू नेम इट, आई हैव दैट. कलर्ड भी हैं और ट्रीटेड भी हैं, और ब्लो ड्राई भी बहुत होते हैं, आयरन भी होते हैं, सब कुछ होता है. तो आई नीड एक्स्ट्रा केयर. अब नॉर्मल मास्क शुड नॉट बी ऑल्सो इनफ कि आपने लगा दिया इतने जुल्म के साथ. कुछ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है फॉर योर हेयर रेस्टोरेशन. ऐसी क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाए, उसका क्या तरीका हो कि आपको सैलून ना जाना पड़े. हॉट ऑयल्स वी ऑल नो अच्छे हैं बालों के, ठीक है, लेकिन मास्क के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये दो मास्क अगर आप कंबाइन करके लगाएंगे और जिस तरह लगाएंगे उसमें यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट. इतने सॉफ्ट, फ्लफी, कुकले आपके बाल हो जाएंगे ना कि आप कहेंगे कि ये क्या हुआ. हाँ, इसको आप वैसे लगाएं. मैंने इसको ट्राई किया जस्ट अलोन एज मास्क नॉर्मली शावर के दौरान, और उसके बाद माय वे एंड व्हेन आई मिक्स दीज टू, बिकॉज ये दोनों में अलग अलग इफेक्ट के लिए यूज़ करती थी. तो जब मिक्स किया तो कमाल रिजल्ट आया. एंड आई लव मिक्सिंग एंड प्लेइंग विद माय मेकअप और माय प्रोडक्ट्स. सो द फर्स्ट वन इज़ ट्रेसमे. दिस इज़ एन इंटेंसिव हेयर मास्क एंड वेरी गुड इफ़ यू हैव कलर्ड हेयर, ड्राई हेयर. हम एक ये यूज़ करेंगे ट्रेसमे का, साथ में वी विल मिक्स इट विद दिस अमेजिंग मॉइस्चराइजिंग मास्क. मैं कब से यूज़ कर रही हूँ, बट दोनों को मिक्स किया तो तबाही रिजल्ट आया, बिकॉज दैट गिव्स यू अ कैरेटिन स्मूदनेस शाइन, जैसे कैरेटिन ट्रीटमेंट करती है. दिस इज़ फॉर स्मूदिंग द हेयर एंड फ्रिज को थोड़ा सा कम करने के लिए, साथ में बालों के अंदर थिकनेस लाने के लिए, मॉइस्चर देने के लिए. साथ में आपको एक और टिप मैं देती हूँ. टिप ये कि अब आ रही है समर में आपके स्कैल्प में सबसे पहले ऑयल आ जाता है. माय गॉड, तो एक नया ड्राई शैम्पू जिसका भी आप चेक कीजिएगा दूसरी वीडियो में, दिस अमेजिंग उवाई का ड्राई शैम्पू. क्योंकि बाकी ड्राई शैम्पू मैंने ट्राई किए हैं वो बालों में वाइट सा कर देते हैं, स्मेल अच्छी नहीं होती है, बाल थोड़े बाल लिम्प हो जाते हैं. तो ये तीनों मसलों का हल गुड फ्रेग्रेंस दे, इट विल गिव यू अ हेयर स्प्रे वाला हल्का सा लिफ्ट ऑल्सो एंड नो वाइट पाउडरी इफेक्ट इन द हेयर, एंड योर हेयर विल रियली फील क्लीन एज इफ कल वॉश किए. तो वो आप मेरी वीडियो चेकआउट करें. अभी लेट्स डू दिस. शैम्पू सिर्फ यूज़ किया है एंड जेरी विल हेल्प मी. जेरी, हाई जेरी, हाउ आर यू? जेरी जो आधी आएगी हमारे हमेशा वीडियोज में, आधी आती है. एक दिन मैं आपको फुल इसको दिखाऊंगी. शी इज़ फ्रॉम केनिया एंड शी वुड लाइक मी टू डू अ मेकअप मेकओवर फॉर हर. तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज है कि मेरे पास फाउंडेशन वगैरह डिफरेंट हैं उसके शेड्स, तो उससे ही खेल के मैं इसका मेकओवर करूँ. ऑलराइट, सो व्हाट विल डू इज टू स्पूंस ऑफ द एलवाई लॉरियल. नज़र आ रहा है? ओके, नहीं आ रहा, क्लोजर दिखाते हैं. लॉरियल का इसमें बहुत सारे टाइप्स के आते हैं. आई प्रेफर दिस एलवाई. टू स्पून ऑफ दिस मास्क एंड वी विल मिक्स इट विद ट्रेसमे इंटेंसिव हेयर मास्क. अगेन टू स्पून ईच, बिकॉज आई नीड माई हेयर टू गेट कवर्ड इन दिस एंड देन गो अप. आई डोंट वॉन्ट इन माई रूट्स. ओके, नॉट हियर. रूट्स में हम क्या लगाएंगे, इसको पहले मैं मिक्स कर लूँ. चलिए, प्लीज स्टार्ट अप्लाइंग. थैंक यू. अच्छा, अब मैं दूसरी आपको टिप देती हूँ. मेरी स्कैल्प थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, आपकी भी होगी अभी जो गंदा मौसम आने वाला है. तो उसमें सेम मास्क जो आपको, देखो ना, बालों के आपको रूट्स पे चाहिए
मॉइस्चर नहीं चाहिए, ऑलरेडी इतना वहाँ ऑयल बन रहा है, उसमें और मॉइस्चराइजिंग मास्क लगाया या इवन छोड़ भी दिया तो भी इट्स नॉट इनफ। मतलब कुछ तो लगाना है ना, लेकिन मास्क कभी भी रूट्स पे ना लगाएं। यहाँ तक आके बालों के यहाँ जहाँ ड्राइनेस है इधर आपने उसको छोड़ देना है, और यहाँ ऊपर आते हुए जब आप वॉश करने लगेंगे तो बस तब यू कैन मिक्स द मास्क और रूट्स को फिर भी बचा के। व्हाट डू यू डू इन द रूट्स? फ्रिज नहीं चाहिए आपको, ऑयल नहीं चाहिए, यू वॉन्ट यू हेयर टू लुक फ्रेशली वॉश्ड फॉर फ्यू डेज एट लीस्ट। क्या आपने करना है कि एक एग वाइट लेना है, उसमें थोड़ा सा आप विनेगर डालेंगे, आपको साइडर विनेगर डाल दें या आप वैसे लेमन जूस के कुछ ड्रॉप डाल के सिर्फ स्कैल्प पे आपने इसको लगाना है। तो उसको आपने बालों में लगा के एंड देन यू विल डू द प्रोसीजर। अभी सिर्फ ये प्रोडक्ट की बात हुई, आपको पता है मैं हमेशा दो चीज़ों की बात करती हूँ, प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर। तो आज आप हैरान हो जाएंगे कि बाल कितने मेरे हसीन लगने लगे हैं। इस साइज का एक टॉवल आप लेंगे, इसको आपने टर्न करना है ऐसे एंड देन ऐसे, यहाँ तक आप इसको पानी में डिप करके देन यू विल स्क्वीज आउट द एक्स्ट्रा वाटर, आधा पानी अंदर है, एंड यू विल पुट इट इन द माइक्रोवेव फॉर 3-4 मिनट्स, जब तक आपको इसमें से वो स्टीम ना नजर आए। ओके जेरी, या आई डन, ऑलराइट, सो यू विल ब्रिंग दिस टॉवल फॉर मी। मीनवाइल थोड़ा सा कोशिश करें कि ये बालों में जो नॉट्स हैं वो थोड़ी सी निकाल दी जाए, और अच्छी तरह मास्क जो है बगैर बाल तोड़े, कहते हैं गीले बालों में ब्रश नहीं करना चाहिए, मैं तो जब मेरे बाल सूख जाए और मैं ब्रश करूँ तबाही होती है ज़मीन पे, इतना बाल टूटता है। तो मैं तो इसके मुझे इसके कभी लॉजिक और सेंस नहीं समझे कि गीले बालों को ब्रश नहीं करना चाहिए, आई डिसएग्री। सो दिस इज़ द टॉवल जिसमें से आपको नज़र आ रहा है धुआं, ठीक ठाक धुआं है, कैन यू सी इट, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है। इसमें मैंने अब अपने बाल रैप कर लेने हैं, और जो सेंटर का पार्ट सबसे ज़्यादा गीला है हमने एजेस इसलिए छोड़े हैं ताकि पकड़ने में आसानी हो, एंड देन यू जस्ट क्लिप इट, यहाँ से जस्ट क्लिप इट, सर नीचे करके ऐसे रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेक श्योर दैट योर एंड्स आर कवर्ड। अभी क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, कोई सा भी प्लास्टिक बैग जो साफ हो, उसमें कोई गंदी चीज़ ना पड़ी हो, प्लास्टिक बैग लिया और ये, अरे वाह, मैं ये जब मैं ये मैं आपको बताऊँ, ये मेरे बचपन का ये प्रैक्टिस चल रही है, और मैं अक्सर ऐसे तैयार होकर घर में फिरा करती थी, और मेरी अम्मी मुझे हमेशा देख के, कभी किचन में हो तो मैं अचानक ऐसे आ जाती थी, कमरे में तो मैं अचानक चली जाती थी, और मुझे हमेशा देखती कहती थी हरे दफा हो त्रा निकाल छड़ी है की कर रही है, दैट वाज सो फनी। तो ये प्लास्टिक से हमेशा मुझे मम्मी की याद आती है, या अब्बा मुझे देखे कहते थे व्हाट्स रॉन्ग विद यू, एक पंजाबी में डांट पड़ती थी, एक मुझे इंग्लिश में डांट पड़ी होती थी। तो ऐसे ही गुजरा है बचपन। ऐसे अब आपने 30 मिनट्स तक इसको रखना है प्लास्टिक बैग के साथ, स्टीम काम ही तब करेगी जब आप इसको 30 टू 40 मिनट्स इसको देंगे बालों को सॉफ्ट होने के लिए, जो मास्क है वो अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद फिर हम ब्लो ड्राई करके आपको दिखाएंगे कि बालों का अफेक्ट कैसा है। इसको वॉश ज़रूर करना है आफ्टर 30 मिनट्स, आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। अच्छा, जब आप बाल वॉश करेंगे डू नॉट यूज़ शैम्पू और एनी मोर कंडीशनर, जस्ट रिंस इट विद प्लेन वाटर। ओके, एंड हियर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, वॉला। हाउ डू आई फील? मुझे लग रहा है कि मेरे बाल काफ़ी थिक से हो गए हैं, थिकनेस सी फील हो रही है, टेक्स्चर लग रहा है इसका मोटा मोटा हो गया है, बालों को मैंने कोल्ड वाटर से वॉश किया था, शाइन है डेफिनेटली बालों में, लगता है जैसे लाइफ सी आ गई। अच्छे मास्क ट्रीटमेंट के बाल, आपको अपने बाल याद रखिए भारी भारी नज़र आने चाहिए, भारी भारी फील होने चाहिए। कलर भी मुझे देखें आप इसका कि पहले से कंपेयर करके, अगर अभी तो उसमें दर द कॉपर द गोल्ड इज शोइंग, तो दैट्स व्हाट इट डज। इसमें दो चीज़ें थी, इंटेंसिव मास्क दोनों टाइप के जब मिले हैं तो देखें कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना है, 30 मिनट्स की स्टीम और ब्रश भी करने से जो एप्लीकेशन करते वक्त जो बाल उलझ जाते हैं उस पर प्रोडक्ट पहुंचती नहीं, इसलिए ज़रा उसको अगर आप ब्रश कर लें बगैर बाल टूटे हुए जितना पॉसिबल हो तो अच्छा रिजल्ट आता है। तो इफ़ यू कॉन्ट फाइंड दिस मास्क, मेक श्योर कि यू डू एंड द जेन्युइन वन, अगर फेक होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा। यू कैन ऑल्सो बाय इट ऑन outstyle.com की आउटस्टाइल की शॉप पे एंड डिलीवर टू योर होम ऑल्सो। और बताइए और क्या देखना चाहते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर, गिव मी अ थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।